हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टिकटॉक। आज हम 2020 के जमाने में आपके लिए लेकर आए हैं 1980 की बातें, यानी दूरदर्शन और चित्रहार जैसे बातें। जी हाँ, आज हम ले जाएंगे आपको कुछ दशक पीछे, क्योंकि फिल्म दूरदर्शन का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। तो चलिए आपको बताते हैं स्टारकास्ट कौन कौन है, स्टोरी कैसी है और जो फिल्म का टाइटल है वो ठीक तरह से बैठता है कि नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टारकास्ट की। तो इसमें लीड रोल में है माही गिल और मनु ऋषि चड्ढा, जो दोनों इसमें 40-50 साल के कपल बने हुए हैं। इनके साथ हैं डॉली आलूवाल, जो दादी का रोल प्ले कर रही हैं, और हैं इसमें परपेंडिकुलर से याद आया कुछ, चलिए हम याद दिला देते हैं। ये गैंग ऑफ वैसेपुर में जो परपेंडिकुलर थे वही हैं, जो उसमें तोतले होते हैं और इस फिल्म में भी वो तोतले ही हैं। चलिए अब बात करते हैं स्टोरी के बारे में। तो स्टोरी ऐसी है कि माही गिल और जो मनु ऋषि चड्ढा हैं उनका डिवोर्स हो जाता है और उनका एक लड़का भी है 20-22 साल का, जो कि थोड़ा हरा होता है। और उस लड़के का किरदार उसने ही निभाया है जिसने बधाई हो फिल्म में आयुष्मान खुराना के छोटे भाई का किरदार निभाया था। और स्टोरी इतनी ही समझ आई है मुझे कि उनकी एक दादी हैं जो पता नहीं कब से कोमा में पड़ी हुई हैं, और एक दिन अचानक से उनको किसी लड़की का नाम सुन के होश आ जाता है और वो नाम होता है विमला। उसके नाम पर दादी जी जाग जाती हैं और उन्हें लगता है कि वो तब भी उस जमाने में है जिस जमाने में वो लास्ट टाइम्स बेहोश हुई थी। उन्हें लगता है कि ये 2020 नहीं 1989 चल रहा है। तो ये सुन के पहले तो सभी फैमिली वाले शॉक हो जाते हैं कि अब क्या करें। फिर उनको समझ में कुछ आता नहीं है, तो वो सोचते हैं कि अब अपनी दादी को 1980 वाला ही फील दिलाएंगे चाहे जैसे। उसके लिए घर का रेनोवेशन चालू हो जाता है, दीवारें खोद दी जाती हैं, कूलर की जगह कुछ नहीं होता है, पंखों की जगह हाथ वाले पंखे इस्तेमाल होने लगते हैं, और टीवी की जब बात आती है तो उनको वो फील देने के लिए जो पहले पल्ले वाले टीवी ब्लैक एंड व्हाइट चलते थे वही टीवी लाया जाता है, और एक एंटीना भी कमरे में लगा दिया जाता है। तो मतलब कहानी दादी जी के इर्द गिर्द ही कहीं ना कहीं घूमती है। और इस मूवी में कॉमेडी एक नंबर है, क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही गिने चुने हैं, मतलब कि एकदम चुने हुए कैरेक्टर लिए गए हैं। सबसे पहले तो परपेंडिकुलर, जो कि तोतले होते हैं, जो बोलते कुछ हैं और लोगों को समझ में कुछ और आता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी जगह पर पिटते दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल दोस्तों ट्रेलर काफ़ी अच्छा लग रहा है और स्टोरी भी कुछ डिफरेंट है, तो मज़ा आने वाला है। हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी ये भी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो ऐसी ही और अच्छी वीडियोस हम बनाते रहें, और ऐसी ही बॉलीवुड अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए टिकटॉक।